हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आपके लिए पुनः लेकर आए KVS NPS UP MP झारखंड और जो भी पेपर हुए उनका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, इसमें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी बायोलॉजी के जो हुए हैं उनका भी सॉल्व सॉल्यूशन है। तो अभी हम चैप्टर वाइज बात कर रहे थे, तो अभी हम सीलेंटेटा की बात कर रहे थे। सीलेंटेटा में एक क्वेश्चन थे, हमारे एक मित्र हैं मनोज जी, उन्होंने कहा था कि सर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बिगिंस फ्रॉम, तो बिगिंस फ्रॉम से उन्होंने कहा था कि सर इसको आप बताइएगा, तो इसका सही आंसर क्या है। यहाँ ऑप्शन हमने हेलमेंथस बताया था, क्या बताया था, हेलमेंथस, क्योंकि वहाँ उसने बिगिंस पूछा हुआ है कि एनिमल किंगडम बिगिंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, द जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिगिंस प्रारंभ हुआ कहाँ से, प्रारंभ हुआ है तो हेलमेंथस से, हेलमेंथस के बाद तब एनिलिडा आते हैं, तो ये भी है। और हम आपको बता दें कि पोरीफेरा और सीलेंटेटा के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो चाहे एनिलिडा हो या हेलमेंथस हो, जितने भी आगे हम चलेंगे सब कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो यहाँ चूंकि बिगिंस लगाया हुआ तो इसलिए हेलमेंथस सही है, और अगर केवल ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछता स्टेज फाउंड इन, तो वो हेलमेंथस और एनिलिट्स दोनों सही हैं, मगर बिगिंस लगाया हुआ है इसलिए इसका हेलमेंथस सही है। तो मुझे लगता है कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट आप, तो साइक्लोप्स का सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, तो आप बताइएगा। द साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, तो वो ऑप्शन सही है कौन, गिनी वर्म, कौन सा होता है, गिनी वर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल, इनमें से कौन सा ऐसा जंतु दिया हुआ है जो नॉन पैरासिटिक होता है। तो चूंकि हम सीलेंटेट चल रहे थे तो इसमें कौन है, सी एनिमोन ऐसा है जो कैसा होता है, परजीवी नहीं होता है। मच्छर देखे परजीवी होता है, फीताक्रम होता है, जोक होता है, और हमने आपको बताया था सी एनिमोन में कौन कौन से जीव आते हैं, तो एडमेसिया आता है और मैट्रीडियम, ये दो हैं जिसे सी एनिमोन के नाम से जानते हैं, दोनों के दोनों सीलेंटेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेड मैन फिंगर, ये डेड मैन फिंगर किसे कहते हैं, तो ये अभी हमने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि डेड मैन फिंगर किसे बोलते हैं, तो आप फटाफट आंसर दीजिएगा कि डेड मैन फिंगर किसको बोलते हैं, तो एल्सायोनियम को बोलते हैं, तो एल्सायोनियम जो ऑप्शन बी सही है, तो इसका एल्सायोनियम है, और हमने कल नाम बताए थे, कॉमन नेम्स बताए थे कुछ सीलेंटेट के। नाइडेरियंस आर, तो नाइडेरियन कैसे होते हैं, तो आप बताइएगा, ई सिलोमेट होते हैं, साइजोसिलोमेट होते हैं, एंट्रोसिलस सिलोमेट होते हैं या स्यूडोसिलोमेट होते हैं, तो क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसर्टेशन क्या दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन द सीलेंटेट्स, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइट स्टेज रिप्लेस ईच अदर, तो इसका ऑप्शन क्या है, बोथ ए आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओबिलिया आर नोन एज, जो फीडिंग ज्वाइंट्स होता है वो ओबिलिया का क्या होता है, फीडिंग ज्वाइंट्स, तो चूंकि यहाँ हमसे फीडिंग ज्वाइंट्स पूछा, हमने कल दो ज्वाइंट्स बताए थे आपको, तो फीडिंग ज्वाइंट्स क्या होगा, तो वो है पॉलिप, क्या है, पॉलिप्स, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा पॉलिप, और हमने आपको बताया था कि दो स्टेज होती हैं पॉलिप और मेड्यूसा, जो मेन स्टेज होती हैं पॉलिप और मेड्यूसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको कल डिस्कस किया था पॉलिप और मेड्यूसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ सीलेंटेट शोज द मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, तो सीलेंट जो होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं मैक्सिमम, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, साइफोनोफोरा, ऑप्शन डी सही है, साइफोनोफोरा, ए कोरल रीफ लेइंग क्लोज टू द सोर ऑफ सम वोल्काइन इज लैंड इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो होगा फ्रिंजिंग रीफ, क्या होता है, फ्रिंजिंग रीफ, जब आप कोरल रीफ और रीफ पढ़ेंगे बैरियर रीफ, तो वहां आप देखेंगे फ्रिंजिंग रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, एसर्टेशन दिया हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी कॉमन एमंग द हाइड्रोजोअन
Coelenterates रीजन है, पॉलीमॉर्फिज इज द आउटकम ऑफ डिवीजन ऑफ लेवर, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो बोथ ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए कहीं कहीं ऐसा है कि हिंदी केवल इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हैं, तो वो क्वेश्चन जहां हमें हिंदी नहीं मिल पाई है तो उनकी हिंदी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जहां हिंदी मिली है तो उनकी हिंदी हमने प्रॉपर उपलब्ध कराई है। फिर आता है निमेटोसाइट्स आर फाउंड इन, तो निमेटोसाइट्स यानी दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं, तो सिंपल सी बात है किस में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं सीलेंट्रेट में, किस में पाई जाती हैं सीलेंट्रेट में। हमने बताया था कि निमेटोसिस जो कोशिकाएँ होती हैं इनके कार्य भी, हमने कल वाला जो वीडियो था एनिमल किंगडम 9 उसमें बताया था, ये भी बताया था कि इनमें हाइपनोटॉक्सिन पाया जाता है, हाइपनोटॉक्सिन प्रोटीन्स और फिनॉल्स का बना होता है, इनका काम होता है रक्षा करना, शत्रुओं को मारना पकड़ना, कई काम हमने बताया था, तो आप उनको देख लीजिएगा। नाइडेरियंस आर, तो नाइडेरियंस कैसे होते हैं, तो ए सिलोमेट होते हैं, कैसे होते हैं ए सिलोमेट होते हैं, नाइडेरियन जो होते हैं ए सिलोमेट होते हैं, हमने बताया था सीलेंट्रेटा जो शब्द दिया था ल्यूकॉर्ट ने दिया था, क्या दिया था ल्यूकॉर्ट ने, भी बताया था कि ये सिल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, यानी जो कोशिका ऊतक श्रेणी का इनका शारीरिक संरचना होती है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी हमने आपको बताया था, कल सारा कुछ डिस्कस किया था, और हमने आपको बताया था कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल सेक्सुअल लार्वा स्टेज होती है, तो प्लैनुला ओबिलियम पाया जाता है, इफायरा ऑरिलियम, इसमें दो लार्वा अक्सर देखने को मिलते हैं, प्लैनुला लार्वा जो कि ओबिलियम में पाया जाता है और इफायरा लार्वा ऑरिलियम में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और हम आपको एक ही बता दें कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ द नाइडेरियंस मेनली बेस्ड ऑन द डोमिनेंस ऑफ पॉलीप्लॉइड्स एंड मेड्यूसॉइड, तो इनमें जो पॉलीप और मेड्यूसा के डोमिनेंस के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, इनको हाइड्रोजोवा स्काइपोजोवा एंथोजोवा में मुख्यतः विभाजित किया गया है। हाइड्रोजोवा में जो होता है पॉलीप्लॉइड मेड्यूसॉइड स्टेज मेड्यूसा विद द वीलम मोस्टली मैरीन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, इसमें हाइड्रा ओबिलिया और फाइसेलिया वेलेला और पॉर्पिटिया आदि आते हैं। स्काइफोजोवा में ऑरिलिया और राइजोस्टोमिया आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मेड्यूसा फेस डोमिनेंस होती है। एंथोजोवा में क्या आता है, ये सब जलीय होते हैं, इनमें मेड्यूसा स्टेज नहीं होती, नो मेड्यूसा स्टेज नहीं, तो केवल पॉलिप स्टेज होती है। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेमेटोसिस्ट, दंश कोशिकाएं क्या होती हैं, ए कंप्लीट सेल्स होती हैं, ऑर्गेन ऑफ बॉडी होती हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एक कोशिका का भाग है, कोशिकाओं का समूह है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द फाइलम सीलेंटेटा, निम्न में से कौन सीलेंटेटा संघ में सम्मिलित नहीं है, तो समुद्री पेन हमने बताया था, सी फीदर, सी कुकुम्बर और सी फैन, तो इसमें जो सी कुकुम्बर है इसमें शामिल नहीं है। प्लाज्मोडियम, देखिए क्वेश्चन कुछ बीच बीच में ऐसे भी आए हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वही चल रहा है, बीच बीच में उन्होंने क्वेश्चन जैसे एक आध कहीं फंसा तो इन्होंने नहीं छांट पाया, क्योंकि बंदे छांटते हैं ना क्वेश्चन कौन सीलेंट्रेट का है कौन, तो जब ये बन रही थी तो पता लगा वो नहीं छांट पाया तो वो यहाँ आ गया। प्लाज्मोडियम इंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो किस स्टेज में इंटर करता है, तो स्पोरोजाइट, तो ये बीच में आपका प्लाज्मोडियम का क्वेश्चन आ गया, यानी प्रोटोजोवंस का। मेड्यूसा ऑफ ओबिलिया डिफरेंस फ्रॉम द ऑरिलियन, मेड्यूसा ऑफ ओबिलिया डिफर्स फ्रॉम, देखिए जो मेड्यूसा ओबिलिया का होता है वो ऑरिलिया के बिल्कुल समान दिखता है, मगर किस बेस पे अलग होता है, तो हम आपको बता दें ये रोपेलियम के बेस पे अलग होता है, किसके बेस पे अलग होता है, रोपेलियम। इससे पहले क्वेश्चन आया था रोपेलियम, आपको अगर ध्यान हो हमने आपको बताया था रोपेलियम क्या होता है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रोपिलियम के बारे में आपको मालूम होगा, कल हमने रोपिलियम के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्राइज, तो इसकी सिंपल सी बात है किस ग्रेड का होता है, तो इनका जो होता है टिश्यू ग्रेड का, सेल टिश्यू ग्रेड का होता है। तो देखिए क्वेश्चन आया था अभी, हमने इससे पहले इसका आंसर आपको बताया था कि इनका सेल
टिश्यू ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन होता है। तो जितने भी होंगे सब इसी में आते हैं। गोनर इन हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, तो वो किससे ऑरिजिनेट होते हैं, हाइड्रा के जो गोनर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, तो आप बताइएगा। तो वो विकसित होते हैं एक्टोडर्म से। हम आपको हाइड्रा के बारे में, चूंकि इसने सेक्स संबंधी बात भी बताई, तो हाइड्रा इज मोनोसियस और डायोसियस दोनों होता है। ये एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। मोस्ट स्पीसीज आर डायोसियस और यूनिसेक्सुअल होती है। बाइसेक्सुअल स्पीसीज भी हाइड्रा की पाई जाती हैं, जिनको हम प्रोटेंड्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्रस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सो एवाइड द सेल पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हाइड्रा नॉर्मली पजेस द सिंगल ओवरी इन एबोरल रीजन एंड मैनी टेस्टीज इन ओरल रीजन। ध्यान रखना, एबोरल रीजन में एक ओवरी पाई जाती है, और जो आपका इनका ओरल रीजन्स होता है वहाँ प्रायः कई टेस्टीज पाए जाते हैं। खास बात है, एक ओवरी और जबकि टेस्टीज इसमें कई पाए जाते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली ऑन द बॉडी बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म इन टू ओवम। यह भी ध्यान रखना, एक्सटर्नल पाया जाता है। इफ स्पर्म इंटर द सिलेंट्रॉन इन द हाइड्रा, इट विल बी डिजाइनेड गोनट्स ऑफ हाइड्रा एराइज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल। जो गोनट्स हाइड्रा के बनते हैं वो इंटेस्टाइनल सेल से बनते हैं। क्लीवेज इसमें टोटल होलोब्लास्टिक होता है। गैस्टुलेशन इज बाय द डिलेमिनेशन। ये ध्यान रखना, ये कुछ हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं। नो फ्री लार्वल स्टेज, इसमें कोई स्वतंत्र अवस्था नहीं होती। ओनली ए प्लैनुलर लाइक स्टेज पाई, प्लैनुलर लाइक स्टेज पाई जाती है, प्लैनुलर नहीं, प्लैनुलर लाइक स्टेज पाई जाती है हाइड्रा में। तो ध्यान रखने, ये बात आपको ध्यान रखने बात ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन एक्टोडर्म सही है, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये जो डेवलपमेंट होता है इंटरस्टाइटल सेल से होती हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा, तो ये तो बता ही दिया था हमने, कैसा होता है, टिश्यू ग्रेड होता है। ग्लूटाथियोन इज सिक्रीटेड बाय, तो ग्लूटाथियोन किससे सिक्रीट होता है, तो वो है हाइड्रा से ग्लूटाथियोन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस्टुला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज द स्टेरो गैस्टुला बिकॉज इट इज, देखते हैं इसके ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनकैप्सुलेटेड, टू लेयर्ड, हॉलो और सॉलिड। तो इसका ऑप्शन सही है सॉलिड। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर बाय, रीजनरेशन क्या होता है, मान लेते हैं कोई अंग काट देते हैं और वो पुनः बढ़कर नए अंग में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। यानी जैसे छिपकली की पूंछ हटा देते हैं तो नई पूंछ आ जाती, तो इसे क्या बोलेंगे, रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। हाइड्रा अकर्स बाय, तो वो क्या होती, एपीमॉर्फोसिस। तो वो क्या होती, जो रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा अकर बाय द एपीमॉर्फोसिस के थ्रू होती है। हाइड्रा में निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ होता है, तो ये अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, हिप्नोटॉक्सिन होता है, जो प्रोटीन और फिनॉल का बना होता है। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, तो हाइपोटॉक्सिन। देखिए यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमेटोसाइट्स बोल दिया है, और पॉइजनस सबिस्टेंस फाउंड इन नेमेटोसाइट्स। तो उसने केवल शब्दों का थोड़ा सा अंतर हुआ, उसने दो बार क्वेश्चन दे दिया, सेम है। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर बाय, तो एपीमॉर्फोसिस अभिरूपांतरण, यहाँ हिंदी उसकी भी दी रखी है। हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सबिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए यहाँ उसने उसका नाम दे दिया, घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, तो कौन करता है, तो दंश कोशिकाएं करती हैं हिप्नोटॉक्सिन, जो प्रोटीन्स और फिनॉल्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, तो वो कौन सा एनिमल्स होता है जिसमें नर्वस सिस्टम तो पाया जाता है पर ब्रेन नहीं होता, तो वो हाइड्रा होता है। कौन होता है? हाइड्रा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में नर्वस सिस्टम पाया जाता है पर इसमें ब्रेन का अभाव होता है। हाइड्रा हैज नर्व सेल बट नो नर्वस
देखना इसमें क्या होता है, नर्व सेल्स होती हैं मगर नर्व्स नहीं होती हैं। तो ये खास एक और हम आपको बता दें कि वो कौन सा जीव है जिसमें नर्व सेल होती हैं मगर नर्व्स नहीं होती हैं, तो वो भी हाइड्रा है। नर्वस सिस्टम, हाइड्रा हैज ए नर्वस सिस्टम बट ए नो ब्रेन। हाइड्रा पजेस ए वेरी प्रिमेटिव नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सिनेप्टिक नेटवर्क ऑफ बाइपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल। नर्व नेट ऑफ हाइड्रा इज मोर और लेस अनपोलराइज्ड। ये भी ध्यान रखिए, इसमें जो नर्व सेल्स होती हैं या नेट बनाती नर्व सेल्स वो अनपोलराइज्ड होती हैं। और एक हाइड्रा की बात होती है, इसमें एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है, और ये बॉडी सरफेस से बाहर इसको निकालने का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना। और एक ये भी बता दें, हाइड्रा रिकॉग्नाइज फूड बिकॉज ऑफ केमिकल स्टिमुलेट बाय द प्रेजेंस ऑफ। हाइड्रा जो होता है वो जो रिकॉग्नाइज ए फूड बिकॉज केमिकल स्टिमुलेट, ये जो एक रासायनिक स्टिमुलेट करता है ग्लूटा थियोन, अभी पूछा था ग्लूटाथियोन के से ये स्टिमुलेट होता है इन द टिश्यू फ्लूइड ऑफ द प्रे। ध्यान रखना, एक मतलब पदार्थ निकलता है रासायनिक ग्लूटाथियोन, जिसके माध्यम से ये दूसरे जीव को पकड़ने का कार्य करता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रा एक और भी बता दें, कार्निवोरस होता है। क्या होता है? कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है हाइड्रा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हम आपको बता दें कि जो ट्रिगर नीडिल होती है नीडोब्लास्ट की, उसको हम नीडोसिल बोलते हैं। जो ट्रिगर नीडिल्स होती है नीडोब्लास्ट की, उसे नीडोसिल बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम आपको बता रहे थे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा, ये देखिए कई बार क्वेश्चन है, टिश्यू ग्रेड होता छोड़ दो। विच सेल इन द हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, इनमें कौन सी सेल एम्ब्रियोनिक रिजर्व होती है, तो आप हमें बताइएगा। तो वो होती है इंटरस्टाइटल सेल। इंटरस्टाइटल सेल में टीटोपोटेंट होती हैं, ये किसी भी कोशिका का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अंतराली कोशिकाएँ खास कोशिकाएँ होती हैं जो किसी भी कोशिका का रूप आकार ग्रहण कर लेती हैं। एक्टोडर्म में पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? एक्टोडर्म कंसिस्ट ऑफ एपिथीलियो मस्कुलर सेल, सेंसरी सेल, नर्व सेल। इंटरस्टाइटल सेल ये टोटीपोटेंट होती हैं एंड स्टिंगिंग सेल्स, तो ये उस और निमेटोसिस्ट, इतनी सेल्स एक्टोडर्म में पाई जाती हैं। तो ये जितनी भी सेल्स हैं ये सब कहाँ पाई जाती हैं? एक्टोडर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट। तो जो एक्सेप्शन में होता है, हाइड्रा सभी खाद्य पर पचा सकता है, इसे छोड़कर किसे नहीं पचा सकता है, बताइएगा फटाफट। तो हाइड्रा स्टार्च को नहीं पचा सकता क्योंकि ये कार्निवोरस होता है। कैसा होता है? कार्निवोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेरियम ऑफ ऑरिलिया इज, तो इसका ऑप्शन सही है कौन सा? अनलाइक ट्रूविलम ऑफ हाइड्रोजोवन मेड्यूसा इट कंटेन्स इंडोडर्मल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जोन्स ऑफ हाइड्रा आर, तो हाइड्रा की जो एक्जोन्स होती हैं, हाइड्रा की जो तंत्रिकाच होते हैं, तो इसके बारे में चार ऑप्शंस हैं। नेकेड होती हैं, श्वसन कोशिकाओं से एक बार घिरे हुए हैं, श्वान जो कोशिकाओं से दो बार घिरे हुए हैं, और श्वान कोशिकाओं से अनेक बार घिरे हुए हैं। तो ये हमें आप बताइएगा एग्जोन ऑफ हाइड्रा, इसका ऑप्शन हमें कमेंट्स बॉक्स पे लिख के दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो किताब पे ढूंढ के हमें दीजिएगा, तो इसी सारे आप कुछ पढ़ेंगे भी। तो इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।